फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अभी आ चुका हूँ आश्रम, जो देख सकते हैं अय्यर स्वामी आश्रम है। और यहाँ पे अभी हम लोग इसका लोकेशन दिखाते हैं, यहाँ का पूरा वीडियो आप लोगों को शूट करके दिखाएंगे। देखिए पूरा व्यू, देखिए किस तरह सा है। भगवती धर्म ही शास्त्र यथार्थ, ये देख रहे हैं। फाइनली फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं, पूरा लोकेशन यहाँ का अच्छा दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से है यहाँ का व्यू। यही सतीशगढ़ आश्रम है। फाइनली फ्रेंड्स, से यही देखिए आश्रम है अंदर गेट। आप लोग जब अंदर एंट्री लेंगे गेट से, मेन गेट से, तो फिर उसके बाद यहाँ एक कुआं दिखेगा, जैसा कि आप लोगों को आगे दिख रहा होगा। फिर यहाँ कुआं से फिर और आगे जाएंगे तो एंट्री गेट मिलेगा, और यही रास्ता है। आगे की तरफ साफ सफाई अच्छे है। यही अर्गण स्वामी का आश्रम है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इधर नीचे कुछ जब यहाँ ग्रुप ग्रुप के दिन जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो इधर का लोकेशन ये सब। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा नज़ारा किस तरह से है। पूरा लोकेशन आप लोगों को दिखेगा किस तरह का है यहाँ। आप लोग आएंगे तो फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ वाशरूम वाशरूम सब कुछ है। इधर पूरा देख सकते हैं, इधर हेलीपैड है, यहाँ पे ही फ्लाइट उतरती हैं। कोई भी अतिथिगण आते हैं तो उन लोगों के लिए भी गेस्ट हाउस भी यहाँ पे उपलब्ध है। और ये चारा है गाय खिलाने के लिए इधर सब, क्योंकि यहाँ जो भी यहाँ जो भी बुआई होता है, ये शायद नारियल का पेड़ है, हम शायद यही सोच, हमें लग रहा है नारियल का पेड़ है आई थिंक, मेरे हिसाब से, पता नहीं है या नहीं है। और इधर देख सकते हैं सब लगा हुआ है, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, और सार सार को गही रहे दे आए बहाए। इधर देखिए सब दोहे लगे हुए हैं, और कितना अच्छा यहाँ का व्यू है, कितना अच्छा लोकेशन है। आप लोग खुद एक बार आएंगे तो यहाँ मज़ा आ जाएगा, आप लोग घूम के एकदम, जब भी घूमेंगे ना तो आप लोगों का एकदम मन भर जाएगा यहाँ से। इतना अच्छा व्यू है, नेचुरल चीज़ें यहाँ आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेंगे जैसा कि आप लोग सोचते हो लाइफ में, क्योंकि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने, दिनों तक यहाँ रुकते हैं, उन लोगों के लिए रुकने का भी यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। और इधर देख सकते हैं चारों तरफ से, आप लोगों को देख के ही पता चल गया हो कि किस तरह का यहाँ का लोकेशन है। इधर देखिए सब्जियाँ लगी हुई हैं,
पूरा यहाँ सब कुछ इसी जगह होता है। ये देखे सिंदूर का शायद पेड़ है, यहाँ सब कुछ देखने को मिलेगा। हमको जितना नॉलेज है मैं उतना बताऊंगा आप लोगों को। शायद मेरे हिसाब से देखो यहाँ सिंदूर उन्दूर फड़ा हुआ है, ठीक है। तो यही सिंदूर जो लोग माथे में औरतें लगाती हैं उसी चीज़ का पेड़ है शायद। यहाँ देखिए फरा हुआ है, इसमें फल दिखाते हैं आपको। आई थिंक मैं छू भी नहीं सकता इसको, क्योंकि यहाँ कोई भी पौधे को या कोई भी फल को हम हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ का नियम है। आप देखिए, क्योंकि ये व्यू के लिए है तो आप देखिए सिर्फ कितनी साफ सफाई यहाँ लगा हुआ है। नदी है, इसका मैं दिखा रहा था अभी पे। ये देखिए यही बिल्डिंग, इसमें जहाँ से जाने के लिए होगा मैं वहाँ से भी दिखा सकता हूँ। और इधर जब गुरु पूर्णिमा होता है तो पूर्णिमा के दिन इधर सब कुछ एकदम भरा हुआ था। ये सब इसमें पूड़ी उड़ी रखा रहता है पूरा, ये सब जो है ना जिसमें कचरा रखा हुआ है इसको साफ उफ करके, इसको धुलाई उलाई करके इसी में पूड़ी उड़ी रखा होता। और आगे जो है अंदर खाना वाना भी बन रहा होगा, भी मैं दिखा सकता हूँ थोड़ा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये देखिए अंदर लकड़ी उकड़ी पूरा रखा हुआ है, अंदर अलाउड नहीं है क्योंकि मैं तो जूस पह रहा हूँ इसलिए अंदर अलाउड नहीं होता है सूज पहन कर। और हो सकता है कि मैं अगर जाना होगा बाहर जाऊंगा तो फिर उधर से एंट्री लूंगा तो सूज निकाल दूंगा, तो मैं अंदर का व्यू भी आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरे को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ पे जब काफ़ी लोग जुटते हैं, जब ज़्यादा लोग भीड़ उड़ रहती है गुरु पूर्णिमा के दिन, यहाँ सब भोज प्रसाद ग्रहण करने के लिए ये सब व्यवस्था किया गया है। और इधर जब गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पे भीड़ होती है तो यहाँ पे प्रसाद वरसाद ग्रहण किया जाता है। और यही देखिए है, एक बार आप लोग आश्रम आइए हरिद्वार स्वामी जी के, और यहाँ मजा आ जाएगा आप लोग घूम के। यहाँ का जब यहाँ आएंगे ना पूरा दिन घूमेंगे आप लोग, क्या हम बताएं। आई थिंक आप लोग एक बार आए आपको खुद समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ कोई रोक टोक नहीं होता है। आप लोग को लगेगा कि हम लोग कहीं ऐसे जगह जाएं जहाँ कोई बोले या कोई बोल दे कि यहाँ वीडियो क्यों शूट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो ऐसा कोई प्लेस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप अच्छे से वीडियो बना सकते हैं, और आपका यहाँ से यहाँ के जो महंत लोग हैं वो आपका हेल्प भी करेंगे कि कहाँ आप वीडियो शूट करें कहाँ ना करें। वो लोग बताएंगे कि यहाँ शूट कर लो, ये चीज़ है यहाँ, यहाँ व्यू अच्छा है, तो वो लोग भी अच्छे से हेल्प करते हैं और आप लोग अच्छे से वहाँ का वीडियो भी शूट कर सकते हैं। आप लोगों को कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार आइए, और यहाँ का लोकेशन अगर लेना भी चाहते हैं तो आप अच्छे से ले सकते हैं। हालांकि मैं अभी शूज पहना हुआ था इसलिए मैं अंदर अभी नहीं गया हूँ अभी, क्योंकि सब नियम कानून है तो भाई हम नियम कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते कि हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अभी हम लोग मतलब कि अंदर सूज निकाल के अभी अंदर जाएंगे, हो सकेगा तो अंदर का भी व्यू दिखाएंगे आप लोगों को। यही व्यू है अंदर का, यहाँ फाइनली अपना हम लोग चल चुके हैं। और ये देखिए लोकेशन है यहाँ का।